Hello students, continuing examples of alkenes and alkynes. Last video में हम लोगों ने कुछ examples लिए थे जिनकी naming और numbering और main chain selection हम लोगों ने किया. इन examples में भी कुछ और advanced level के मैंने examples लिए हैं. इन examples को भी हम लोग यहाँ solve करते हैं. तो वही सबसे पहले आप लोगों को इनको copy करना है और उसकी main chain का numbering करो, main chain selection करो और उनके names लिखो. ठीक है, मैं इन एग्जांपल्स की फर्स्ट तो मेन चेन सेलेक्ट कर लेता हूं और उसकी नंबरिंग कर लेता हूं, फिर इसकी नेमिंग करेंगे. एग्जांपल नंबर 17 में आप लोगों को सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड्स देखने हैं. ये मैं आपको बता ही चुका हूं, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स देखा जाए तो इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड 2 है, यहां भी मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड 2 है और इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड 2 ही है. तो मेन चेन में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड्स के बेसिस पे मेन चेन सिलेक्शन नहीं कर पाए. उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना चाहिए. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 5 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं. तो 3 चेन्स ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है. देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखना चाहिए. यही मेन चेन सिलेक्शन का रूल है. आप लोगों को मैं बता चुका हूं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स का नंबर देखना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होने चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए. हो सकता है आप लोगों को लगे मैं बार-बार लिख रहा हूं, पर स्टूडेंट्स ये रूल भूल जाते हैं, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ये याद होने चाहिए. फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो वो नहीं है, फिर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो वो भी सब में इक्वल है, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल होना ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, वो भी इन तीनों चेन्स में कार्बन एटम्स भी इक्वल है, फिर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए. तो सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे काउंट करते हैं. इस चेन पे केवल 1 सब्स्टिट्यूएंट है, इस चेन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इस चेन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और इस चेन पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो दो सब्स्टिट्यूएंट इस चेन पर भी हैं. तो यहां पर भी हम लोग पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए. इस चेन को तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट यहां दो चेन एक है और ये चेन भी है. ठीक है, उसके बाद में हमें क्या देखना चाहिए, लोवेस्ट सेट. और लोवेस्ट सेट में भी पहले मल्टीपल बॉन्ड का सेट देखोगे, फंक्शन ग्रुप यहां नहीं है उसको मैंने नहीं लिया, उसके बाद में सब्सिक्वेंट का सेट देखेंगे. तो पहले हम लोग मल्टीपल बॉन्ड का सेट देख लेते हैं. ये दो चॉइस थी, एक तो ये चेन और एक ये चेन. अगर ये चेन मेन चेन है तो इसके दोनों कॉर्नर से नंबरिंग करो तो साफ दिखाई दे रहा है, इसी ओर से नंबरिंग करने पर मल्टीपल बॉन्ड का लोवेस्ट सेट आ रहा है 1 और 3 पोजीशन पर. अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो 2 और सेकंड लास्ट पोजीशन पे आएगा, फोर्थ पोजीशन पे आएगा, तो वो लोवेस्ट सेट नहीं होगा. ठीक है, इसको देखते हैं. 1 और सेकंड लास्ट पोजीशन मतलब फोर्थ पोजीशन, यहां से नंबरिंग करें तो भी 1 और फोर्थ पोजीशन आता है. तो क्लियर हो गया कि ये मेन चेन होनी चाहिए जिस पर सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा से ज्यादा है और मल्टीपल बॉन्ड का सेट भी लोवेस्ट सेट हमें मिल रहा है. इस एग्जांपल में देखिए, तो पहले मल्टीपल बॉन्ड इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है. फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें तो इस चेन में कार्बन एटम्स ज्यादा है, नंबरिंग यहां से होनी चाहिए. रीजन है कि मल्टीपल बॉन्ड का तो सेट 1 5 मिलना ही था, बट थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे आ रहा है. एग्जांपल नंबर 19 में पहले मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं. मल्टीपल बॉन्ड इस चेन में मैक्सिमम है, इसमें 1 2 3 4 5 मल्टीपल बॉन्ड है, जबकि इस चेन में केवल 4 मल्टीपल बॉन्ड है, इस चेन में केवल 3 मल्टीपल बॉन्ड है. अब नंबरिंग करें तो यहां से नंबरिंग करो या फिर यहां से नंबरिंग करो, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन का सेट सेम आ रहा है, बट यहां से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट भी लोएस्ट पोजीशन पे आ रहा है. 3 4 5 6 7 8 9 और 10. एग्जांपल नंबर 20, इसमें हम लोग पहले मेन चेन सिलेक्शन करते हैं. मेन चेन सिलेक्शन में मल्टीपल बॉन्ड 2, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड 2 है और इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड 2 है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ. फिर मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम हो तो सबसे कार्बन एटम्स देखना चाहिए. इसमें कार्बन एटम केवल 5 है, यहां 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, दो चेन्स ऐसी हैं जिसमें 7 एटम्स हैं, यहां भी डिसाइड नहीं हुआ, बट इस चेन को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं.
फिर सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। इस चेन पर सब्स्टिट्यूएंट आप देखिए, दो सब्स्टिट्यूएंट है, इस पर भी टू सब्स्टिट्यूएंट है और इस पर भी टू सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों पर दो दो है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे काम ना बनना। अब लोवेस्ट सेट देखते हैं, अगर ये मेन चेन है, ये मेन चेन है, तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1 पे और 6 पोजीशन पर है, 1 एंड 6 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। यहां से नंबरिंग करें तब भी 1 एंड 6 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एग्जांपल इसी में है, अगर हम लोग इस चेन को मेन चेन माने और नंबरिंग यहां से करें तो 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, 1, 5 यहां से नंबरिंग करने पर 1 एंड 5 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, यहां से अगर नंबरिंग करें तो 2 एंड 6 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो 1 5 मुझे लगता है एक बेटर ऑप्शन है। ये सही है, ये गलत है, इसके बेसिस पे मेन चेन ये होनी चाहिए, ये मेन चेन होनी चाहिए जहां मल्टीपल बॉन्ड ड्यूअल पोजीशन पर आ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ठीक है, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21 देखिए, 21 एग्जांपल में पहले मल्टीपल बॉन्ड काउंट करें, इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है, यहां भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड्स है, 3 चेन्स हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड इक्वल है। फिर कार्बन एटम्स देखते हैं, इस चेन में 5 कार्बन एटम्स है, इस चेन में भी 5 कार्बन एटम्स है और इस चेन में भी 5 कार्बन एटम्स है, यहां तक भी क्लियर नहीं हुआ। मल्टीपल बॉन्ड सेम थे, कार्बन एटम सेम है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर देखते हैं मेन चेन सिलेक्शन के लिए। अब सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देखते हैं, तो इस चेन पर काउंट करें सब्स्टिट्यूएंट 2 है, इस चेन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और इस चेन पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ये ही मेन चेन है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया मेन चेन। अब नंबरिंग देखते हैं, नंबरिंग का रूल आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था, लोवेस्ट पोजीशन देखनी चाहिए पहले फंक्शन ग्रुप की, वो यहां नहीं है, फिर मल्टीपल बॉन्ड की लोवेस्ट सेट देखना चाहिए, फिर सब्सिक्वेंट का लोवेस्ट सेट देखना चाहिए और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना चाहिए, ठीक है। इसी ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग मेन चेन सिलेक्शन कर चुके हैं, सॉरी नंबरिंग करते हैं। फंक्शन ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड का सेट देखो, मल्टीपल बॉन्ड यहां से नंबरिंग करोगे तो भी 1 एंड 4 आने वाला है, यहां से नंबरिंग करें तो भी 1 एंड 4 आने वाला है, नहीं बनी बात। देन सब्सिक्वेंट का लोवेस्ट सेट देखते हैं, सब्सिक्वेंट यहां से भी 2 एंड 4th पोजीशन पर है, यहां पर भी 2 एंड 4th पोजीशन पर है, सब्सिक्वेंट के लोवेस्ट सेट से बात ना बनी। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, यहां सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, यहां सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, तो नंबरिंग होनी चाहिए यहां से, ये मेन चेन सिलेक्शन हम लोगों ने किया और उसकी नंबरिंग किया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल इनकी नेमिंग आप कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नेमिंग कीजिए। आप लोगों ने नेमिंग कर लिया होगा, मैं अब एग्जांपल्स लेता हूं, इनकी नेमिंग लेता हूं। इस कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो है 3rd पोजीशन पर और एक है 2 पोजीशन पर। 3rd पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो जिसमें एल्कीन में से यहां से H निकाल दिया गया है, जब एल्कीन से H निकाल दिया जाए तो E को रिप्लेस करके Y लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक इथीन YL इथीनाइल है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिनाइल मिथाइल से पहले आना चाहिए, तो नेम होना चाहिए 3 इथिनाइल, देन 2 पोजीशन पर मिथाइल, 2 मिथाइल, मेन चेन में कार्बन है 5 तो पेंटा, एंड 1, 3 पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड तो डाइईन, डाई आ रहा है इसलिए हम लोग ए लगाएंगे, इन अगर डायरेक्ट होता है तो केवल पेंट इन लिखते हैं, वरना डाई ट्राई टेट्रा हो तो हम उस केस में एल्क के साथ में एल्का वर्ड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट को पहचानिए, ये वो सब्स्टिट्यूएंट है जहां से एक 2 एच रिप्लेस किए गए हैं, ये मीथेन था, CH4 था, CH4 से 2 एच रिप्लेस करके इसे सब्स्टिट्यूएंट बनाया गया है, ये एल्कीन नहीं है।
तो ये है वो जिसमें से दो एच अगर सेम पोजीशन से निकाल दे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वायलिडीन, एल्काइलिडीन, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। तो ये है मिथाइलिडीन, शॉर्ट में मिथाइलिन भी कहा जाता है, कॉमन नेम है मिथाइलिन, मैं सिस्टमैटिक नेम यूज कर रहा हूं। तो नेम हो गया 3-methylidene, then 6 carbon है main chain में, hexa 1,5-diene इसका नेम होना चाहिए। Next example number 19, main chain में एक substituent है fourth position पर, नेम वही है जो यहां बताया था ethinyl, तो fourth position पर है ethinyl, ethinyl, then main chain में 10 carbon है तो deca, और 5 double bonds है जो कि 1, 3, 5, 7 and 9, pentaene. Next है example number 20, एग्जाम्पल नंबर 20 में दो सब्सिट्यूएंट है, इन दोनों सब्सिट्यूएंट में एक तो प्रोपाइल है और फिफ्थ पोजीशन पर है इथाइल, इथिनाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिनाइल पहले आना चाहिए, तो नेम हो गया इसका 5-ethinyl विनाइल, भी सब्सिट्यूएंट इसका नेम विनाइल भी है, कॉमन नेम है 5-ethinyl 2-propyl हेप्टा, हेप्टा 1,5-diene, 1,5-diene, ये सब्सिट्यूएंट देखिए, ये सब्सिट्यूएंट वो है जिसमें से दो एच निकाले गए हैं, यहां ये 1- ये 2- इथाइल था, दो एच निकाल दिए तो इथाइलिडीन हो गया, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो नेम होना चाहिए इसका 2-ethyl, 3-ethylidene, 3-ethylidene, 4-methyl, 4-methyl, penta, 1,4-diene, ओके मुझे लगता है सफिशियंट एग्जांपल है, मैंने बहुत आलतू फालतू के एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, मैंने बिल्कुल एक सटीक एग्जांपल, मॉडरेट और एडवांस लेवल के एग्जांपल्स यहां लेने की कोशिश की है, बिल्कुल एलिमेंट्री केसेस हम लोगों को बिल्कुल करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे प्रैक्टिस तो एलिमेंट्री केसेस से ही स्टार्ट करनी चाहिए, बट मैंने जो नॉलेज देना था वो सभी तरह के एग्जांपल्स को यहां इंक्लूड करते हुए इन एग्जांपल 21 में आपको करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।